गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विजय वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 4A ऑफ चैप्टर 4 डिवीजन फॉर क्लास 4। सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द क्वोशेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स यहाँ पर हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके क्वोशेंट बताना है। तो देखिए कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज करेंगे वो ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो जैसे 1075 है, इसको 5 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो 4273 से 3 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो 9108 है इसको 6 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो 1008 है इसको 9 से। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टेबल लिखते हैं। तो 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 10 50। अब देखिए, सबसे पहले तो हम साइड में 5 लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं 1075, मीन्स 1075। अब देखिए यहाँ पे वन डिजिट पे क्या लिखा है, 5 है, और यहाँ पे वन डिजिट पे क्या है, 1। तो हम चलाएंगे 5 0 0, क्यों भाई? तो बच्चों देखो, ये जो 1 था वो 5 से कम था, तो इसलिए हमने इसे 0 जा पर चलाया। अब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब इस 0 को नोट कर लेंगे, क्लियर? तो ये कितना हो गया, 10। तो 5 2 10, अब माइनस करेंगे तो 0, ये भी 0। अब इस 7 को नोट करेंगे आगे, क्लियर? अब 7 तो 5 से बड़ा है ना, तो इसे चलाएंगे 1 जा पे, क्योंकि यदि 2 जा पे चलाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 तो से बड़ा होगा, तो इसलिए हम इसे 1 जा पे चलाएंगे। तो 5 1 5, अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इस आगे जो 5 लिखा है, आगे वाला जो 5, इसको नोट करते हैं। तो 5 5 20, क्लियर? तो इस तरह से जब माइनस करेंगे तो 0 0 आ गया। तो यहाँ पे क्वोशेंट क्या हुआ, क्वोशेंट हो गया 215, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो क्वोशेंट बोलते हैं इसको, और रिमाइंडर बोलते हैं जो नीचे लिखा इसको, क्लियर? अब देखते हैं बी पार्ट को। सबसे पहले तो 3 का टेबल लिखेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, क्लियर? अब देखो इस टेबल के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा और अंदर लिखेंगे 4273। देखो भाई, यहाँ पे वन डिजिट पे क्या लिखा है, 3, और यहाँ पे जो वन डिजिट पे क्या लिखा है, 4। अब ये जो 4 जो है 3 से क्या है, बड़ा है ना। तो देखो, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, 6 तो 4 से बड़ा है और ये 3 जो है 4 से छोटा है, तो हम इसे 1 जा पे चलाएंगे। तो 3 1 जा 3, क्लियर? अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब जो 4 के आगे वाला जो नंबर है राइट साइड में, इसको नोट करते हैं, तो आ गया 2। अब देखो 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 जा पर, तो लिखेंगे 3 4 जा 12, क्लियर? अब 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब नोट करते हैं 7 को। अब देखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे 9। अब ये जो 7 है ये 6 के तो बाद में आता है और 9 से पहले आता है, तो हम जो लेंगे वो छोटा नंबर लेंगे, तो छोटा क्या लेंगे, 6। तो 3 2 जा 6, अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। अब इस अब जो आगे वाला जो नंबर है इसको नोट कर लेते हैं, 3 को, क्लियर? अब देखो 13 कहाँ पर है, ये तो 12 है और ये 15 है। जो 13 है वो 12 के तो बाद में आता है और 15 से पहले आता है, तो हम लेंगे छोटे वाला नंबर यानी कि 12। तो 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो यहाँ पे जो क्वोशेंट है वो तो है 1424 और रिमाइंडर है 1, तो लिखेंगे यहाँ पे क्वोशेंट 1424 और रिमाइंडर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, क्लियर? अब इसका सी पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले 6 का टेबल लिखेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 60।
अब क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, तो 6 यहाँ पे लिखा और अंदर लिखेंगे 9108, क्लियर। अब देखो ये वन डिजिट का नंबर है ना, तो वन डिजिट पे क्या लिखा भाई 6, और यहाँ पे वन डिजिट पे क्या लिखा 9। अब ये जो 9 है वो 6 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए ये 6 है और ये 12 है, जो 9 है वो 6 के तो बाद में आता है, जो 9 है वो 6 के तो बाद में आता है काउंटिंग में, और जो 12 है उससे पहले आ जाता है 9। तो हम चलाएंगे हमेशा छोटे वाला नंबर, तो 6 1 6। अब देखो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब ये जो 1 है इसे नोट करेंगे नीचे, क्लियर। अब ये 31, देखो ये 30 है और ये 36 है, ये जो 31 है वो 30 के तो बाद में आता है काउंटिंग में, जैसे 30 फिर 31 इस तरीके से, तो 31 जो 30 के तो बाद में आता है और 36 से पहले आता है। तो हम हमेशा क्या चलाएंगे, छोटे वाले नंबर, तो 6 5 जा 30। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। अब जो आगे वाला जो नंबर है इसको नोट करते हैं, पहले तो हमने इस 1 को नोट किया था, अब इस 0 को नोट करते हैं। अब यहाँ पर है 10। अब देखो बच्चों यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, अब इन दोनों के बीच में कहीं 10 आ रहा है, क्लियर। तो जो 10 है वो तो 6 के बाद में आता है और 12 से पहले, तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लिखेंगे, तो 6 1 जा 6, और 10 में से 6 माइनस करें तो कितना बचेगा 4। अब ये जो आगे का जो नंबर है इसको नोट कर लेते हैं 8, क्लियर। और 6 के टेबल में 48 कितने पर आता है, 8 जा पर, तो 6 8 जा 48, तो ये आ गया 0 0। तो क्वेश्चन कितना यहाँ पर 1518 और रिमाइंडर 0, तो लिखें क्वेश्चन इक्वल टू 1518 और रिमाइंडर लिखेंगे 0। अब इसका डी पार्ट देखते हैं, तो डी पार्ट में लिखा है 1008 को डिवाइड करना है 9 से, तो सबसे पहले 9 का टेबल लिखेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, और 9 9 जा 81, और 9 10 जा 90। तो 9 का टेबल लिख दिया, अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 9 और अंदर लिखेंगे 1008, क्लियर। अब बच्चों देखो ये 1 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या लिखा है 1। अब ये जो 1 है वो तो 9 से छोटा है, तो हम इसे चलाएंगे 0 जा पर, तो 9 0 जा 0। अब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब आगे वाला 0 नोट कर लेते हैं, 10 हो गया। अब जो 10 है वो 9 से तो बाद में आता है और 18 से पहले, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे, तो 9 1 जा 9। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस आगे जो डिजिट है इसको नोट कर लेंगे 0 को, फिर से चलाएंगे 9 1 जा 9, क्लियर। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और फिर आगे का जो नंबर है 8 इसको नोट करते हैं, और 9 के टेबल में 18 कितने पर आता है 2 जा पर, तो 9 2 जा 18, तो इस तरह से 0 आ गया। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा 112, वो तो है 112 और रिमाइंडर है यहाँ पे 0।